हम आ गया वापस, ज़्यादा एक घंटा भी नहीं हुआ था ये ट्रिप, और ना ही कोकराडाइल देखा, बस वो पानी था और कुछ फिल्म स्टार का घर वगैरह दिखा रहा था। तो अगर आप पहला बार आए तो जा सकता है ये ट्रिप, नहीं तो कुछ खास था नहीं इतना। ठीक है, अभी दूसरे लोग जान रहे हैं। तो बस वही बता रहा था उन लोग पास में जो भी बंगला वगैरह है, जैकी श्रॉफ का बंगला हुआ, सब ऐसे बता रहा था। बाकी तो कुछ नहीं है, तो जितना लंबा इधर जितना लंबा उधर लास्ट तरफ से है और उधर लास्ट तक उसे एक बार जाके अप डाउन करके आता है, बस इतना ही है। मैंने भी पहला बार, मेरे को बोट पे चढ़ना था तो चढ़ गया। तो आप लोग भी अगर पहला बार ट्राई करना है तो आ सकता है ये जगह पर, और बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आता है, और अंदर बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं इधर, म्यूजिक व्यूजिक भी रहते हैं, उन लोग बियर वगैरह भी लेके जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं फोर्ट अगुआडा पे, एक छोटा सा पहाड़ है उधर, तो वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो पर बने रहिए, आगे जाकर एक अच्छा पहाड़ दिखाने वाला है आपको मैं। तो गाइस वो मैं आ गया है एक जगह पर, थोड़ा जंगल सा है और आगे जाके पहाड़ी है, पहाड़ी एरिया है उधर, थोड़ा जंगल सा है, पहाड़ी एरिया है, जाके देखते हैं। फोर्ट तो बंद है, सोचा था दिखाऊंगा आप लोगों को फोर्ट, वो फोर्ट अगुआडा है वो तो बंद है अभी, लेकिन ये थोड़ा आगे जाके उधर एक पहाड़ है, उधर से बहुत अच्छा समुंदर का व्यू वगैरह देख सकते हैं आप। आपको लेके चलते मैं दिखाता है, वो जंगल है यार, शेर तो नहीं आएगा ना। तो इधर आप आके आराम से चिल कर सकते हैं। इधर ये ताज होटल का साइड पीछे तरफ में, इधर देखिए लाइट हाउस है, ये लाइटिंग है, ये रात को लाइट जलता है इधर उधर। इधर से काफ़ी अच्छा व्यू है इधर। अब आगे मच्छी उच्छी भी मार सकते हैं, फिशिंग भी कर सकते हैं नीचे, बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए इधर आ जाते हैं। तो पूरा नीचे तक लोग हैं, व्यू तो बहुत बढ़िया है। वाओ, उसका आगे भी जाके देख सकते हैं आप लोगों को, मैं चल के दिखाऊंगा अभी। आगे भी छोटा सा एक पहाड़ है, ये पूरा एरिया जो है ये ताज होटल का पीछे तरफ का है, ये गाड़ी तो आ नहीं सकता है, पहले स्कूटी अलाउड करता था लेकिन अभी तो अलाउड नहीं कर रहा है, आपको पैदल पैदल चलना पड़ेगा। शायद कुछ लोग इधर कुछ फिशिंग कर रहे होगा। देखिए ये है जो ताज होटल है ना, इधर फोर्ट अगुआडा के साइड पे ताज होटल है, इसका बैक साइड का पार्ट है ये। तो गाइस अगर आप उनको वीडियो में कौन सा सीनरी अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, सो मुझे बताना कमेंट सेक्शन पर, और कुछ सवाल है तो वो भी पूछ लेना, और कैसे मैं इम्प्रूव करना अपना यूट्यूब चैनल को कुछ हेल्प भी बता देना, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलें, करोगी ना। चलिए अभी आपको व्यू दिखाते हैं, वाह क्या बढ़िया है, कितना हवा आ रहा है, ओह वाह क्या हवा आ रहा है। नीचे देखो, नीचे का व्यू देखो, आपको दिखा, ओह उधर पत्थर के बीच में जाके खड़ा हो सकेगा तो, लेकिन बहुत स्लिप है, ऐसे करना मत। और इधर भी थोड़ा प्लेन है, उधर भी जाके बैठ सकता है। देखिए क्या नज़ारा है, मुझे प्यारा क्या लगता है, ऐसे पहाड़ है और पानी है, समुंदर है और पत्थर है, और ये सबसे पहले तो ये ग्रास जो है बहुत प्यारा लगता है मुझे, एक सीनरी देता है, एक अलग सा लुक देता है। उधर नीचे कुछ है यार, वो
कुछ लाइक कुछ बना हुआ है, वो देखिए कुछ है, क्या है, टंकी जैसा कुछ, सुरंग जैसा कुछ बनाया हुआ। इधर बहुत लोग आके फिशिंग भी करता है। इधर आपके पास फिशिंग रॉड है तो फिशिंग का सामान है तो आप इधर भी फिश भी मार सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए उधर मच्छी मार रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मार रहे हैं लोग मच्छी। नीचे तो नहीं जाऊँगा, जूता होता सब ख़राब हो जाएगा, फिर बारिश अगर निकलने मुश्किल हो जाएगा। क्या नज़ारा यार, वाह। देखिए उधर लोग के मच्छी मार रहे हैं। तो ये था, ये फोर्ट अगुआडा का जेल होता है वो जेल। आप अगर आओगे तो इधर फोर्ट अगुआडा तरफ आ जाना, बोला जेल का पीछे तरफ घूमना है, दिखा देगा आपका जो टैक्सी वाला है वो आराम से आपको दिखा देगा। वो जो फोर्ट था, अभी जा नहीं पाया उधर, तो वो फोर्ट पे पहला शूटिंग हुआ था, वो अजय देवगन का कयामत मूवी का लास्ट सीन का जो मिसाइल छोड़ था ना, वो इसी तरफ पे हुआ था। तो गाइस अभी हम आपको नेक्स्ट जगह एक बीच लेके जाऊंगा, बागा बीच। वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है, बहुत क्राउड रहता है, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं, अभी खाना खा लूँगा जाके उधर। तो बने रहे हमारे वीडियो पर, नेक्स्ट लोकेशन इट्स मोर एक्साइटेड। जिगली ली ली ली, थोड़ा बहुत फोटो वोटो भी निकाल लिया है, जाऊंगा बागा के तरफ, बागा बीच लेके चलूंगा। हेलो गाइस, तो हम आ गया है खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर। ये है बागा बीच पर एक रेस्टोरेंट है, सैन एंथोनी रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस कि इस इधर रात को कारोकी होता है, और उसका जो सी व्यू है, आगे का जो फ्रंट व्यू है पूरा बे मतलब लेक का व्यू है, एकदम समुंदर का व्यू है, तो उसके लिए बहुत फेमस है ये। ये बागा पर है, ये जो एरिया लाइन है इसको ब्रिटोस बोलते हैं, ब्रिटोस लाइन पे सैन एंथोनी रेस्टोरेंट। आगे तो अंदर म्यूजिक शायद चल रहा है, तो मैं आपको जगह दिखाऊंगा, ठीक है, तो बने रहना। ये है देखो, सैन एंथोनी बार एंड रेस्टोरेंट कारवोकी क्लब। तो अभी हम अंदर खाना खाएंगे, अंदर खाना खाएगा, देखेगा कुछ। देख रहे हो आगे, आगे समुंदर है पूरा। ओ दैट्स कूल, एक फोटो शेयर करते हैं। और ये देखो बड़ा कूल, मतलब एंट्रेंस है, एंट्रेंस में देखो, मतलब अब सेलिब्रिटी स्टाइल इधर फोटो ले सकता है। ओ वाव, ओ भाई क्या मस्त है यार। तो इन्होंने इनका नाम लगाया हुआ है सैन एंथोनी बोल के लगाया हुआ है इधर, मतलब रेस्टोरेंट का नाम रेस्टोरेंट का प्रमोट हो जाएगा। बहुत प्यारा चीज है, बहुत कूल लग रहा है। बार है, बार इधर एक मेरा दोस्त है, बार एरिया है। ओ वाओ कितना कूल लग रहा है। बारमैन देखो, ओ बारमैन कैसा है, अच्छा है, बहुत यूनिक डिजाइन है इनका। हुक्का पार्लर भी उधर, फिश देखे, फिश सी फूड देखो, लॉबस्टर, रेड स्नैपर, किंग फिश, पॉम्फ्रेट, टाइगर प्रॉन्स, मीडियम प्रॉन्स भी है, बहुत सही सही चीज़ है भाई। और ये है सबसे प्यारा जगह, इस जगह का सबसे प्यारा जगह ये है, हुक्का पार्लर, सबसे प्यारा चीज़। शीशा हबीबी कम टू हियर, कम टू बागा। लेकिन भैया आप हुक्का बनाते हो, ये हुक्का मैंने, आपका नाम क्या है? अब्दुल। देखो अब्दुल भाई हुक्का सबको शीशा मिला रहा है, देखो क्या मस्त
जब आईपीएल वगैरह होता है, फुटबॉल मैच वगैरह, तो उधर बहुत बड़ा सा स्क्रीन है ये मैच वगैरह दिखाने के लिए है। जब फुटबॉल वगैरह होता है, आईपीएल वगैरह होता है, तो इधर बहुत अच्छे से पब्लिक इंजॉय कर सकता है बैठ के। और ये रेस्टोरेंट का जो आगे वाला व्यू है ना, वो तो एक नंबर है। ये रेस्टोरेंट पहचाना जाता है ये आगे वाला व्यू के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इधर भी आप बैठ सकता है, इधर भी आराम से बैठ के ऑर्डर कर सकता है। ये हो गया रेस्टोरेंट सैन एंटोनी, ये है हमारा सर्विस बॉय। तो ये सैन एंटोनी है और इसका जो आगे का तरफ का जो व्यू है बहुत मस्त है। अच्छा, ये मैनेजर साहब सैन एंटोनी का मैनेजर है, इससे मैंने परमिशन लिया है फिल्मिंग करने के लिए। तो अभी काफ़ी क्राउड आ चुका है, बस फॉरेनर कम ही है, फॉरेनर लोग भी आ जाएगा नेक्स्ट मंथ तक शायद। तो ये है सैन एंटोनी बार एंड रेस्टोरेंट, इसका स्पेशलिस्ट है कारवोकी की नाइट के लिए। तो चलिए तो आगे का दिखाते हैं। मैं तो ये पूरा लाइन इधर से लेके आगे तक का, मतलब पूरा अलग अलग रेस्टोरेंट है, अलग अलग रेस्टोरेंट का टेबल है, बहुत सही चीज़ है यार। अब इंडियन टूरिस्ट तो बहुत आ गया, बहुत एंजॉय कर रहा है अपना फैमिली के साथ में। तो आगे का व्यू देखो, ओह वाओ क्या प्यारा लग रहा है, देखो। चलो जाके बागा कैप्चर करते हैं, बागा बीच उधर बोर्ड है। मस्त है वो बोर्ड। यार कसम से मजा आ गया देख के इतना, क्योंकि कोविड का टाइम भी तो इतना लोग को देखा नहीं था, तो अभी मज़ा आ रहा है सबको एक साथ देख के। तो जान आ रहा है शरीर पे, सब लोग बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए फैमिली वैमिली का साथ में। ओ भाई क्या तगड़ा म्यूजिक चल रहा है पीछे। तो स्ट्रेस को मारो गोली, अपना गर्लफ्रेंड या अपना फैमिली का साथ में आ जाओ गोवा और देखो विराट कोहली का बंगला। विराट कोहली का बंगला है वो, ना पसंद यार, मजा आ गया यार ये जगह आके। म्यूजिक व्यूजिक चल रहा है, मेरा पैर हिल रहा यार, डांस कर लो क्या बोल के। मस्त व्यू आ रहा है इधर से, रेस्टोरेंट का व्यू देखो, बीच का सामने रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के सामने क्राउड, और क्या चाहिए। मैं सलाद अभी फर्स्ट के लिए सलाद मंगाया, चिकन सलाद मंगाया था, बड़ा प्यारा लग रहा है, अभी खा के भी देखूंगा कि कैसा लग रहा है भाई। कसम व्यू अच्छा लग रहा है, वो म्यूजिक व्यूजिक चालू करके बैठा है इधर, म्यूजिक व्यूजिक चालू करके मतलब आदमी लोग अच्छा से एंजॉय कर सकता है, और रात को कारोकी भी होता है, तो वॉइस प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है, बराबर बता नहीं सक रहा है, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। फाइनली मैंने जो ऑर्डर किया था ये आ गया है, ये है रेड स्नैपर तवा फ्राई, रेड स्नैपर फिश। देख कैसे लग रहा है, बड़ा मस्त लग रहा है यार, इसको खाने में कितना मज़ा आएगा, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में कितना मज़ा आएगा। और इसका साथ सर्व करता है चिप्स और सलाद। तो गाइस एंजॉय कीजिए मेरा रेड स्नैपर वीडियो खाने वाला। Thank you.
गाइस खाना हो गया, खाना खा के हो गया, तो आज रात भी हो गया, अभी 8 बजने वाला है, 8:30 ऐसे हो गया, तो डे ट्रिप ब्लॉग आज इधर ही एंड होगा। तो आप लोग भी अगर जब भी गोवा आएंगे तो ये बागा पे आ जाना, बागा ब्रिटोस लाइन, बागा ब्रिटोस बोलना, टैक्सी वाला को इधर पहुँचा देगा। ये रेस्टोरेंट का नाम है, अच्छा से देख लो, नोट डाउन कर लो, सैन एंटोनी बागा पे, बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और ये रेस्टोरेंट पर एवरी सैटरडे कैराओके नाइट होता है, सैटरडे संडे को, वीकेंड को। और आप सबको, मेरा व्यूवर्स सबको गणेश चतुर्थी का हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मौर्या, व्यू और लाइक्स और सब्सक्राइब ठोक देना, ठीक है? तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।